हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने से उत्साहित सामाजिक संगठनों ने प्रतिनिधियों की बैठक की और संयुक्त रूप से केंद्रीय निर्वाचन आयोग के साथ राज्य निर्वाचन आयोग से डॉक्टर निशंक के खिलाफ झूठी याचिका दायर करने वाले मनीष वर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। ये सर्दली मंच की बैठक है और इसमें हमारे सुमित श्रीकुंजी हमारे ट्रेवल एसोसिएशन के महामंत्री हैं और व्यापार मंडल के साथी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर आज चुनाव आयोग से एक सूत्रीय मांग हमारी है कि जैसे कि हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद और अभी वर्तमान में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के खिलाफ जिन लोगों ने याचिका दायर की थी वो याचिका जो है हाईकोर्ट द्वारा जो है खारिज कर दी गई। हम न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि ऐसी चुनाव की स्थिति में जहाँ चुनाव हो रहा हो, जहाँ पर देश के भविष्य का सवाल हो, हरिद्वार के भविष्य का सवाल हो, इस प्रकार की याचिकाएँ दायर करने वाले जो भी अमुक व्यक्ति हैं उनके खिलाफ मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोग चुनाव के टाइम पर इस प्रकार के जो ये माफिया लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग का काम करते हैं कौन लोग हैं, इस बात को जो है जनता के सामने ये बात आनी चाहिए। और निश्चित रूप से आप इस बात से बड़े आहत हैं, बड़े चिंतित हैं इस बात के लिए कि चुनाव के टाइम पे हम एक वोटर हैं, एक वोटर को आप भ्रम की स्थिति नहीं पैदा कर सकते किसी प्रकार की। आपने हमें भ्रमित किया, हमारे सामने प्रत्याशी हैं, हमारे सामने प्रत्याशी खड़े हुए हैं और आप जो हैं याचिका दायर करके क्या साबित करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक निशंक जी जो है एक लोकप्रिय नेता हैं और मैं समझता हूं उनका जो भविष्य है उत्तर प्रदेश के टाइम से वो मिनिस्टर रहे हैं और कई बार विधायक रहे हैं, फिर देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के नेता हैं। मैं कहना चाहता हूं फिर इस प्रकार की वो भ्रम की स्थिति फैलाई गई तो हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि चुनाव आयोग को इसको संज्ञान लेना चाहिए। आज हमारे सर्वदलीय मंच के जो लोग हम हैं यहाँ पर हमारी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि नहीं कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि हमें आंदोलन का रास्ता भी अगर अख्तियार करना पड़ा तो निश्चित रूप से हम करेंगे। ये उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है, उत्तराखंड की भावनाओं की सवाल है, उत्तराखंड का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो एक सीधा सरल व्यक्ति है, एक सीधा साधा व्यक्ति है, उसको किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति में लाकर किसी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने का जो लोग भी इस काम को करने का काम कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।